रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सर्दियों की सौगात बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ सूप। ये हमने 6 अदद अंडे लिए हैं उबले हुए, उबली हुई जिसका हमने रेशा बना लिया है। 1 पाव चिकन है जिसे हमने उबाल के इसका रेशा बना लिया है। फ्लोवर है, हमने इसके 6 चमचे लिए हैं। ये चाइनीज़ चमचा, 2 चमची काली मिर्च है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने ये एक पतीली ली है, इसमें 4 गिलास पानी डाल लिए हैं। इसमें अब उबाल आ जाता है, जो ये सारा सामान हमने आपको बताया है वो हम इसमें डाल देते हैं। हमने जो ये चिकन रेशा की थी अब ये हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें ये चाइनीज़ नमक है ये डाल रहे हैं और ये काली मिर्चें ये शामिल कर देते हैं हम इसमें। इसको 10 से 20 मिनट तक पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि हमने आपको बताया था, ये हमने 6 चमचे कॉर्नफ्लावर लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेते हैं। तो जब प्यारी साफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये हमने मिक्स कर लिया है। अब ये हम वो यखनी में डालने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये एक अंडा है जो कि हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक अंडा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक अंडा हमने तोड़ लिया था। अब हम इसको फेंट कर, अब ये हमने इसको फेंट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम हल्के हाथ से इसमें अंडा शामिल करते रहेंगे और चमचा चलाते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमने कॉर्नफ्लावर में पानी डाल के इसको मिक्स किया था अभी हम इसमें शामिल कर देते हैं। अब हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे, तब तक के गाढ़ा हो जाएगा और फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। तैयार हो चुका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूप हमारा तैयार हो चुका है। ये उबले हुए अंडे हम इसमें शामिल कर देते हैं।